Good morning to all. So in the yesterday's video, we have completed the exercise on page number 81. And in today's video, we'll read the page number 82, 83 and 84. So we have a new topic, a letter writing for today's topic. So open your page 82. So here's our topic, informal letter writing. इनफॉर्मल लेटर राइटिंग. अब देखिए, लेटर्स टू टाइप के होते हैं जो हम राइट करते हैं. एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल. तो आज हम सीखेंगे इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, हाउ टू राइट इनफॉर्मल लेटर्स. अब इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? लेटर्स टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आर कॉल्ड इनफॉर्मल लेटर्स और पर्सनल लेटर्स. ऐसे लेटर्स जो कि हम फ्रेंड्स को या फिर अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर्स. मतलब जो हम हमारे फ्रेंड्स को लिख रहे हैं, हमारे रिलेटिव्स को लिख रहे हैं, हमसे जो रिलेटेड लोग हैं, हमारी फैमिली से, हमारी लाइफ से जो रिलेटेड लोग हैं, उनको हम जब लेटर लिखते हैं तो वो बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर्स, मीन्स पर्सनल लेटर्स. और फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? मान लीजिए आप अपने स्कूल में दे रहे हैं वो लेटर्स, या फिर आप किसी इंस्टीट्यूशन को लिख रहे हैं, किसी जॉब के लिए लिख रहे हैं, तो वो होते हैं फॉर्मल लेटर्स. फॉर एग्जांपल, वी हैव अ लेटर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हर टू विजिट उदयपुर विथ यू ड्यूरिंग वेकेशन. नाउ यू हैव टू राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड. आपको अपना लेटर राइट करना है अपनी फ्रेंड के लिए, मीन्स फ्रेंड के लिए लिखना है, तो क्या हो जाएगा? इनफॉर्मल लेटर हो जाएगा. किस बारे में लिखना है? उसको उदयपुर के लिए इनवाइट करने के लिए लिखना है आपको लेटर, कि आप अपने वेकेशन में उदयपुर जा रहे हो, तो आप वो भी आपके साथ आए, इसलिए क्या लिखना है आपको? उसके लिए लेटर लिखना है. अब लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, पहले हम वो देखते हैं. सबसे पहले आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, इसमें जो पूरा लेटर है वो एक ही लाइन में लिखा हुआ है. देखिए, पूरा हाउस कीर्ति नगर न्यू दिल्ली 16, पूरा एक ही लाइन में, मींस एड्रेस, डेट, जो हमारा मैटर है, लास्ट में नेम, सब एक ही लाइन में, कहीं इधर उधर नहीं हो रहा है. तो सबसे पहले चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि पूरा लेटर जो आप एंड करते हैं पूरा एक ही लाइन में होना चाहिए. फिर फॉर्मेट कैसे स्टार्ट करते हैं इसका? इसका फॉर्मेट होता है, सबसे पहले आप डालेंगे सेंडर का एड्रेस. क्या डालेंगे? सेंडर्स का एड्रेस. उसके बाद आता है जो भी आएगा एड्रेस में, डेट, नेम, न्यू दिल्ली, जिस शहर में रहती है वो, सब कुछ. उसके बाद डेट, किस डेट पे आप ये लिख रहे हैं. द डेट इज़ रिटन बिलो द सेंडर्स एड्रेस आफ्टर लीविंग अ लाइन. डेट हम कब लिखेंगे? जब हमने सेंडर का एड्रेस लिख दिया, उसके बाद एक लाइन ड्रॉप करके आप डेट मेंशन करेंगे. उसके बाद ये लिखा हुआ है डियर तनु. यहाँ पे देखिए, सैल्यूटेशन डज नॉट नीड अ सरनेम. सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मीन्स क्या होता है? अभिवादन करना, नमस्कार करना. तो उस चीज़ के लिए, अभिवादन करने के लिए आपको सरनेम की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या राइट किया? सिर्फ नेम राइट किया, डियर तनु. अब हमारा स्टार्ट होगा, क्या कहते हैं, लेटर स्टार्ट होगा हमारा. उसके बाद नेम लिखने के बाद क्या होगा? बीच में हम मैटर लिखेंगे. पूरा बॉडी ऑफ द लेटर इट कैन बी रिटन इन 3 to 4 पैराग्राफ्स. मतलब पूरे 4 पैराग्राफ, 3 या 4 पैराग्राफ में होना चाहिए उसका मैटर. यानी कि आप एक ही पैराग्राफ में लिखते चले जाएँ, ये थोड़ा सा मैटर एक में, फिर सेकेंड पैरा हम चेंज कर लेंगे ऐसे. देन नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द लेटर. फिर लास्ट में नेम आता है उस पर्सन का जो लेटर राइट कर रहा है. ये फॉर्मेट आपको ज़रूर ध्यान रखना है. क्या होता है एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में, अगर आपका बीच का मैटर थोड़ा बहुत गलत भी है, लेकिन आपने फॉर्मेट सही लिखा है, मान लीजिए एड्रेस सही लिखा है आपने, डेट सही डाला है, सैल्यूटेशन सही किया आपने, नीचे नेम सही डाला है, तो इन सब चीज़ों के भी आपको मार्क्स मिलते हैं. मान लीजिए आपको फॉर्मेट नहीं आ रहा है, फॉर्मेट सही से बनाना नहीं आ रहा, बीच का मैटर बनाना नहीं आ रहा, तो आप ये जो फॉर्मेट सही से बना देंगे ना, तो इसी के आपको मार्क्स मिल जाएंगे. तो लेटर में हर एक चीज़ का मार्क मिलता है आपको. आपने एड्रेस डाला तो आपको इसका भी नंबर मिलेगा, आपने डेट डाला तो आपको इसका भी नंबर मिलेगा, तो हर एक चीज़ का मार्क मिलता है आपको लेटर में. ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें मैटर कैसे राइट किया है. डियर तनु, सो द हॉलीडेज हैव फाइनली कम. हाउ एंजाइशली वी वेट फॉर देम. आई एम गोइंग टू उदयपुर, व्हाई डोंट यू कम अलोंग.
हम वो बोल रही है कि हॉलीडेज फाइनली आखिरकार में हॉलीडेज आई गए, छुट्टियां आई गई हैं। हमने कितने एंग्जाइशली मतलब कितनी बेचैनी से वेट किया हॉलीडेज का, सभी लोग वेट करते हैं। आई एम गोइंग टू उदयपुर, मैं कहाँ जा रही हूँ, उदयपुर जा रही हूँ। वाई डोंट यू कम अलोन, तुम क्यों नहीं मेरे साथ आती हो। उदयपुर इज़ नोन फॉर इट्स लेक्स एंड पैलेसेस। उदयपुर किसके लिए जाना जाता है, उसकी लेक्स, उसकी झील और पैलेसेस के लिए, महलों के लिए। इट इज़ सिचुएटेड इन अ वैली अमोंग द अरावली हिल्स। इट इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ लेक पिचोला। वो कहाँ पर सिचुएटेड है, अरावली हिल्स के बीच में जो वैली है वहाँ पे सिचुएटेड है। इट इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ लेक पिचोला। बैंक्स मीन्स किनारे, लेक पिचोला जो है उसके किनारे पे है। कौन, उदयपुर। दिस लेक सिटी हैज़ ब्यूटिफुल गार्डन्स टू। इस झीलों के शहर में क्या है, ब्यूटिफुल सुंदर सुंदर गार्डन्स बगीचे भी हैं। देयर आर मैनी टूरिस्ट स्पॉट्स, यहाँ पे कई सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, घूमने की कई जगह हैं। सिटी पैलेस, म्यूजियम एंड जगदीश टेम्पल आर वर्थ विजिटिंग। बहुत सारी यहाँ पे जगह हैं जिनमें से सिटी पैलेस, म्यूजियम और जो जगदीश टेम्पल है वो जाने लायक है, देखने लायक है। ऑन द रिपलिंग वाटर्स ऑफ फतेह सागर लेक वी कैन गो फॉर बोटिंग टू। ऑन द रिपलिंग, रिपलिंग मीन्स क्या होता है, एट द स्टेट ऑफ रेस्ट मीन्स शांत, शांत पानी जो है फतेह सागर लेक का, उसमें हम जाके बोटिंग भी कर सकते हैं। डू लेट मी नो अबाउट योर प्रोग्राम, प्लीज़ मुझे बताना तुम्हारे प्रोग्राम के लिए कि तुम्हारा क्या प्रोग्राम है। इट वुड बी ग्रेट फन इफ यू अकम्पनी अस, लेट मी नो एट द अर्लीस्ट, वेटिंग फॉर अ पॉजिटिव रिप्लाई। अब ये बहुत अच्छी बात होगी, मज़े की बात होगी कि अगर तुम हमारे साथ आओगी, हमें ज्वाइन करोगी और मुझे जल्द से जल्द इसमें बता देना, मैं वेट करूँगी किसका, पॉजिटिव रिप्लाई का, कि मे बी तुम हाँ में आंसर करो। तो इस तरीके से क्या किया, हमने लेटर राइट किया किसको, अपनी फ्रेंड को इन्वाइट करने के लिए, क्योंकि वी आर गोइंग टू उदयपुर, हम उदयपुर जा रहे हैं। तो हमने अपनी फ्रेंड को इन्वाइट करने के लिए कि वो भी हमारे साथ आए वेकेशंस में, हॉलीडेज में, हमने लेटर राइट किया। तो आपको मेन थिंग तो क्या, सबसे पहला चीज़ लेटर राइट करने से पहले फॉर्मेट पता होना चाहिए कि लेटर हम कैसे राइट करते हैं। ये फॉर्मेट ध्यान रखिएगा आप, ये क्या है, इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, एक बार रिपीट कर रही हूँ मैं, ऐसे लेटर जो कि हम हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को लिखते हैं, मीन्स पर्सनल लिखते हैं, उनको हम बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर्स या फिर पर्सनल लेटर्स। अब आते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल पे, ऑन पेज नंबर 83। यू आर नेहा, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड सारा टेलिंग हर अबाउट योर विजिट टू नैनीताल। अब आप क्या हो, नेहा, मान लीजिए आप नेहा हो और आपको अपनी फ्रेंड सारा को लेटर लिखना है बताते हुए कि आपका नैनीताल विजिट कैसा रहा, आप नैनीताल होके आए तो वहाँ पे आपने क्या क्या देखा, कैसा रहा आपका विजिट, वो लिखना है। सबसे पहले क्या आता है, सेंडर्स एड्रेस, एड्रेस डालेंगे हम, हाउस नंबर 631 सेक्टर 15 फरीदाबाद। फिर आता है डेट, डेट मेंशन किया, देन हम सैल्यूटेशन करेंगे, डियर सारा। अब स्टार्ट करते हैं हमारा लेटर। ग्लैड टू नो दैट द हाउस वार्मिंग सेरेमनी वॉज अ ग्रेट टाइम फॉर द रीयूनियन ऑफ द फैमिली। As you know, I was away to Nainital. I had a wonderful time there. अब वो बोल रही है कि जान के खुशी होगी कि फैमिली के रीयूनियन के लिए हाउस वार्मिंग सेरेमनी कैसा था, एक अच्छा टाइम था। रीयूनियन मतलब ऐसा टाइम जब फैमिली के सारे लोग बहुत समय बाद एक साथ मिलते हैं, तो वो चीज़ बता, जो गेट टुगेदर जिसे हम बोलते हैं ना, वो चीज़ वो बता रही है कि बहुत अच्छा था रीयूनियन हमारी फैमिली का। एज यू नो आई वॉज अवे टू नैनीताल, जैसे कि तुम जानती हो कि मैं नैनीताल से दूर थी। आई हैड अ वंडरफुल टाइम दिया, वहाँ पे मेरा बहुत एक अच्छा टाइम रहा। दिस लेक टाउन इज पिक्चरस्क्यू, इट्स ब्यूटी इज अनकम्पेरेबल। ये जो लेक टाउन है, झीलों का शहर है, कैसा है, पिक्चरस्क्यू। पिक्चरस्क्यू मतलब होता है यूनिक, बिल्कुल अलग है। इट्स ब्यूटी इज अनकम्पेरेबल, और इसकी सुंदरता कैसी है, अनकम्पेरेबल है, हम इसकी सुंदरता को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते।
द बेस्ट सीजन टू विजिट इट इज फ्रॉम मार्च टू जून. सबसे अच्छा सीजन कौन सा है नैनीताल जाने का, मार्च से जून तक का. द प्लेस वॉज क्राउडेड विद टूरिस्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वी स्टेड देयर फॉर 10 days. ये जगह कैसी है, बिल्कुल भीड़ से भरी हुई है, मतलब टूरिस्ट यहाँ पे बहुत घूमने आते हैं, अलग अलग जगह से, वर्ल्ड के अलग अलग जगह से आते हैं. और हम वहाँ पे कितने दिन के लिए रहे, 10 दिन तक के लिए रहे. एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 6,338 feet एंड स्प्रेड ओवर 50 acres, इट हैज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल 18-hole गोल्फ कोर्स. अब कितनी, 6,338 feet की ऊंचाई पर 50 acres में फैला यहाँ पे क्या है, सुंदर, बहुत सुंदर 18-hole गोल्फ कोर्स है, मतलब 18-hole गोल्फ कोर्स है. गोल्फ आपने देखा होगा ना, गोल्फ के मैदान वो हैं. इट इज़ सराउंडेड बाई ड्यूदर्स एंड फिर ट्रीज. ये किस, ये देवदार और फिर ट्रीज से घिरा हुआ है. नैना पीक इज विजिबल फ्रॉम द गोल्फ कोर्स. नैना पीक जो है वो विजिबल है, हम वहाँ से देख सकते हैं, कहाँ से, गोल्फ कोर्स से नैना पीक को देख सकते हैं. द फेमस टेम्पल ऑफ नैना देवी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ एन आई शेप्ड लैंक लेक. अब जो फेमस टेम्पल है, बहुत फेमस मंदिर है वहाँ पे नैना देवी का, वो कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे है, आई शेप लेक. एक लेक है आई शेप में, आँखों के शेप का एक लेक है, झील है, उसके उन किनारे पे लोकेटेड है नैना देवी का टेम्पल. पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ वो प्रेजेंट देयर इन लार्ज नंबर. हर धर्म के लोग, हर जगह से यहाँ पे लोग आते हैं, प्रेजेंट रहते हैं बड़ी संख्या में. वी स्टेड देयर इन अ डिलाइटफुल रिजॉर्ट, वी एंजॉयड बोट राइड्स, केबल कार ट्रिप एंड डिड अ लॉट ऑफ शॉपिंग. आई हैव परचेस्ड अ ट्रेडिशनल नेकलेस फॉर यू. नाउ शी सिंग वी स्टेड देयर इन अ डिलाइटफुल रिजॉर्ट. हम वहाँ पे कहाँ रुके थे, डिलाइटफुल यानी कि आनंद में, ब्लिसफुल जिसे हम बोलेंगे, उस रिजॉर्ट में रुके थे. हमने वहाँ पे क्या क्या इन्जॉय किया, बोट राइड्स इन्जॉय की, केबल कार ट्रिप इन्जॉय किया और बहुत सारी हमने शॉपिंग भी की वहाँ पे. आई हैव परचेज अ ट्रेडिशनल नेकलेस फॉर यू. मैंने क्या, एक ट्रेडिशनल नेकलेस भी खरीदा है तुम्हारे लिए. I have enclosed some pictures for you to see. Convey my regards to all elders with best wishes. Yours sincerely, Meha. मैंने क्या किया है, बहुत सारे जो पिक्चर्स हैं वो संभाल के रखे हैं अपने पास तुम्हारे देखने के लिए. और मेरे जो रिगार्ड्स हैं, मतलब हम जो देते हैं ना लास्ट में बोलते हैं कि बड़े कैसे हैं, वो कहाँ तक पहुँचा, अपने बड़े तक पहुँचाना, और पूरी बेस्ट विशेस अच्छी कामनाओं के साथ. योर सिंसियरली मेहा. तो इस तरीके से ये लेटर कम्प्लीट होता है. पूरा देखिए, स्टार्टिंग से एक ही लाइन में, कहीं भी इधर उधर मिस नहीं किया. और ये देखो पैराग्राफ्स हैं, फर्स्ट पैरा, सेकंड पैराग्राफ, इस तरीके से इन्होंने राइट किया. और पहले एड्रेस, देन डेट, सैल्यूटेशन, फिर मैटर, फिर नीचे नेम ऑफ द पर्सन हु इज़ राइटिंग द लेटर. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लेटर राइट करते हैं. दो एग्जाम्पल्स देखे हमने लेटर के. अब फर्स्ट क्वेश्चन इज, यू आर अमन, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट योर फेवरेट हिल स्टेशन. अब आप मान लीजिए आप अमन हो और आपको क्या लिखना है, लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, किस बारे में, बताते हुए आपके फेवरेट हिल स्टेशन के बारे में. आपका बहुत सारे हिल स्टेशन है इंडिया में, तो उसमें से आपका फेवरेट कौन सा है, उस हिल स्टेशन के बारे में आपको बताते हुए लेटर राइट करना है. तो हमने दो लेटर देख लिए, दो लेटर्स के एग्जाम्पल देख लिए. अब आपको बिल्कुल इसी तरीके से लेटर राइट करना है. दिस वन इज़ फॉर योर होमवर्क. आप ट्राई करेंगे ये लेटर राइट करने का, बिकॉज एग्ज़ाम में आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, वो कहीं से भी क्वेश्चन दे सकते हैं लेटर्स राइट करने के लिए. ज़रूरी नहीं है कि जो आपके बुक में पर्टिकुलर क्वेश्चन है वही आपके एग्ज़ाम में आए. ओके, सो आपको प्रैक्टिस करना है कि लेटर कैसे राइट करते हैं. नाउ टर्न योर पेज. लीव एप्लीकेशन, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन कैसे राइट करते हैं. Write an application to the principal of your school requesting her to give you
लीव फॉर अ डे एज यू आर अनवेल। अब आपको अपने स्कूल प्रिंसिपल को एप्लीकेशन राइट करना है कि वो आपको छुट्टी दे दें, छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट करना है आपको बिकॉज यू आर अनवेल, या फिर आप कितने दिन के लिए अनवेल रहते हो, कब तक आपको फीवर रहता है, कब तक के लिए आपको छुट्टी चाहिए। द प्रिंसिपल विल्सन स्कूल औरंगाबाद डेट, पहले लिखेंगे हम द प्रिंसिपल, देन स्कूल का नेम, देन सिटी का नेम, देन डेट, उसके बाद रिस्पेक्टेड मैम, आई हैव हाई फीवर सो आई एम अनेबल टू अटेंड स्कूल, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टुडे। उसमें क्या लिखा है, मेरे को हाई फीवर है इसलिए मैं आज स्कूल अटेंड नहीं कर पाऊँगा, प्लीज़ मुझे आज के लिए क्या दीजिए, लीव दे दीजिए, छुट्टी दे दीजिए। थैंक यू, योर्स ओबीडियंटली राहुल शर्मा, क्लास फोर रोल नंबर 16। तो इस तरीके से इसने लेटर राइट किया, एप्लीकेशन राइट किया। अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे इसमें आपको और ऐड करना हो, जैसे यहाँ पे उसने नेम क्लास यहाँ पे डाल दिया, आप क्या कर सकते हैं, मैटर में भी लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जैसे कि रिस्पेक्टेड मैम, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, क्लास दिस एंड दिस, फिर उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं कि आई हैव अ हाई फीवर सो आई एम अनएबल टू अटेंड अ स्कूल, ऐसे भी आप राइट कर सकते हैं एप्लीकेशन। Now question one is, you have to attend the wedding of your brother, write a leave application to the principal requesting leave for 3 days। अब आपको क्या करना है, अपने ब्रदर अपने भाई की वेडिंग शादी अटेंड करनी है, तो आपको लीव एप्लीकेशन लिखना है, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखना है, कितने दिन की, 3 days की लीव मांगते हुए अपने प्रिंसिपल से। तो जस्ट सेम एज द अबव एग्जांपल, बिल्कुल सेम वैसे ही होगा, बस आपका थोड़ा सा मैटर चेंज हो जाएगा, रीज़न चेंज हो जाएगा। आपने पहले एग्जांपल में हम छुट्टी ले रहे थे बिकॉज अनवेल था वो, अब यहाँ पे छुट्टी लेना है आपको क्योंकि आप शादी में जा रहे हो। ये एप्लीकेशन भी आपको खुद से राइट करना है, फॉर्मेट आपने देख ही लिया है कैसे राइट करते हैं, और ये भी पहले आप ऐसे लिखते थे एप्लीकेशन टू, फिर इधर लिखते थे द प्रिंसिपल, फिर स्कूल नेम, ये अब ये वाला सिस्टम हो गया गलत, कि बहुत जो मतलब पुराने बच्चे रहते थे ना, बहुत टाइम पहले पढ़ते थे वो राइट करते थे, अब ऐसे न्यू फॉर्मेट में हम लिखते हैं ऐसे, अभी के टाइम में एप्लीकेशन लिखा जाता है, लेटर लिखा जाता है इस तरीके से, ठीक है, अप टू डेट रहना है हमको, ऐसे पुराने तरीके से थोड़ी ना राइट करना है, ठीक है। तो ये वाला तरीका तो आप बिल्कुल भूल ही जाइए कि ऐसे राइट करते हैं, हमेशा ऐसे स्टार्ट करना है आपको, और जब हम ग्रामर करेंगे तब हम और अच्छे से पढ़ेंगे इस चीज़ को, ठीक है। सो इट्स एनफ फॉर टुडे, राइट अ लेटर और एप्लीकेशन इन योर होमवर्क, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्क वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।